आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन सो द गिवन क्वेश्चन इज टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी 3 कॉमा 4 ओके टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 टचिंग द एलिप्स एट ए एंड बी देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर so here given is uh, here four option are given so we have to choose the correct option okay so यहाँ पे सबसे पहले हमने एक इलिप्स को बना लिया okay इसका इक्वेशन कितना है एक्स divided by 9 plus प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू वन नाउ बोला गया है कि टेंशन uh, ड्रॉ की जाती है पॉइंट पी से जिसका कोऑर्डिनेट दिए हैं थ्री कोमा फोर ठीक है और जो इलिप्स को टच करते हैं पॉइंट ए एंड बी पे तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी ओके सो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें ओके okay. तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये जो हमारा ए बी जो हमारी ए बी लाइन आएगी वो बेसिकली होगी क्या ए बी जो लाइन होगी वो हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में ओके okay. क्योंकि ये क्या है कि जो हमारी ये जो हमारा टेंजेंट है उसके पॉइंट्स को ठीक है उसके पॉइंट्स को मिला रही है तो ये हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी अगर ये हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं

तो ये क्या आ गया एक्स बाई थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू वन और यहाँ से अगर देखिए तो एक्स बराबर आ जाएगा थ्री माइनस थ्री वाई ओके तो ये एक्स की वैल्यू हमें मिल गई अच्छा ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमें ए और बी पॉइंट निकालने क्योंकि कॉर्ड हमें कौन से पॉइंट निकालने थे ए एंड बी आर के कोऑर्डिनेट ओके सो अगर हम ये पॉइंट जो एक्स की वैल्यू हमें मिली है बेसिकली वो ये लाइन से हमने फाइंड किए ओके तो ये अगर हम इलिप्स के इक्वेशन में रखते हैं तो हमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू मतलब कितना है? 9 y 4 1. इसको करने पर हमें क्या मिलेगा आगे सी ये कितना हो जाएगा यहाँ से नाइन कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा वन माइनस वाई का होल स्क्वायर और जो नाइन कॉमन आया वो नीचे वाले वाई से कट जाए नाइन से कट जाएगा ओके okay? और ये वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर है तो इसको फोर यहाँ पे ले जाके इसको फोर यहां पे कर देते हैं ओके, okay, सॉल्व करें तो फोर इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टोटल फाइव वाई स्क्वायर माइनस एट वाई ओके माइनस फोर इज टू जीरो इस फोर को हम एल एच एस में लेके आ गए नाउ ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन uh, बन गया फाइव वाई स्क्वायर माइनस एट वाई तो तो से अगर हम देखें तो वाई के हमें दो वैल्यू मिल जाएगी एक, five five ओके, सो यहां से हमें एक तो वाई बराबर जीरो मिल गया एक तो वाई बराबर हमें मिल गया अब अगर ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें एक्स इज इक्वल टू तो कितना है y बराबर जीरो रखने पर x बराबर हमको कितना मिलेगा थ्री एंड अगर y बराबर हम एट बाई फाइव रख दें तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी थ्री माइनस थ्री इंटू एट बाई फाइव ओके इसको सॉल्व करने पर हमें कितना मिल जाएगा फाइव थ्री जो फिफ्टीन तो फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई फाइव दैट इज इक्वल टू फाइव नाइन ओके तो माइनस नाइन बाई 5 तो कोऑर्डिनेट्स हमें a के और b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे ओके okay? b के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे 3,0 एंड a के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे a के कोऑर्डिनेट्स होंगे -9,5, 8/-9/5, 8/5 ओके सो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन सही है सो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन थैंक यू क्लास 6 से 12th से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक स मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करे डाउट नटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर